नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीच। इस वक्त की एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार देर रात मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर नरेश गोयल को गिरफ्तार किया है। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के मुंबई ऑफिस बुलाया गया था, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। उन पर 538 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। गोयल को आज 2 सितंबर को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। ईडी हिरासत की मांग करेगी। इसके पहले ईडी ने उन्हें 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद ये गिरफ्तारी सामने आई है। पिछले साल नवंबर में कैनरा बैंक में नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी। इस शिकायत के बाद मई 2023 में सीबीआई ने फ्रॉड केस दर्ज किया। बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था। फिलहाल क्योंकि 2 बार कहने के बाद भी वो पेश नहीं हुए, इसके बाद जो है ईडी ने ये बड़ा कदम उठाया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अगर 3 पॉइंट में आपको पूरा मामला समझाने की कोशिश करूं तो जेट को 848.86 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट और लोन दिए गए थे, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपए बकाया है। ये अकाउंट 29 जुलाई 2021 में फ्रॉड घोषित किया गया था। सीबीआई ने 5 मई को गोयल के मुंबई स्थित ऑफिस सहित 7 ठिकानों की तलाशी ली थी। नरेश गोयल, अनीता गोयल और जेट एग्जीक्यूटिव गोरांग शेट्टी के घर पर भी छापे पड़े थे। सीबीआई के एफआईआर के आधार पर ईडी ने 19 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। तब ईडी ने भी गोयल और उनके साथियों के ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी ली थी। आपको यह भी बता दें कि कैनरा बैंक ने आरोप लगाया था कि जेट एयरवेज की फॉरेंसिक ऑडिट में पाया गया है कि जेट ने अपने से जुड़ी कंपनियां यानी रिलेटेड कंपनियों को 1410 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। ऐसा कंपनी के अकाउंट से पैसा निकालने के लिए किया गया था। गोयल परिवार के पर्सनल खर्चे जैसे कि स्टाफ की सैलरी, फोन बिल और व्हीकल एक्सपेंसेस सब जेट एयरवेज से ही होते थे। गोयल ने 1993 में जेट एयरवेज की स्थापना की थी। 2019 में एयरलाइन का चेयरमैन पद छोड़ दिया था। आपको ये भी बता दें कि जेट एयरवेज एक समय भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस में से एक थी और एयरलाइंस को साउथ एशियन नेशन की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन का दर्जा भी हासिल था। फिर कर्ज में दबी होने के कारण जेट एयरवेज 17 अप्रैल 2019 में ग्राउंडेड हो गई थी। जून 2021 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बैंकरप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत जालान कालरॉक कंसोर्टियम ने जेट एयरवेज की बोली को जीत लिया था। इसके बाद से जेट के रिवाइवल की प्रोसेस चल रही है, लेकिन अब तक एयरलाइंस शुरू नहीं हो पाई है। ये मुरारी लाल जालान और कालरॉक कैपिटल की जॉइंट कंपनी है। जालान एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है। वही कालरॉक की बात करें तो वो कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड, फाइनेंशियल एडवाइजरी और अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले लंदन बेस्ड ग्लोबल फर्म है। आपको ये भी बता दें कि 1990 के दशक की शुरुआत में टिकटिंग एजेंट से एंटरप्रेन्योर बने नरेश गोयल ने जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड की शुरुआत कर लोगों को एयर इंडिया का एक अल्टरनेटिव दिया था। एक वक्त जेट के पास कुल 120 प्लेन हुआ करते थे और वो लीडिंग एयरलाइन में से एक हुआ करती थी। द जॉय ऑफ फ्लाइंग टैगलाइन वाली कंपनी जब पीक पर थी तो हर रोज 650 फ्लाइट्स का ऑपरेशन किया करती थी। जो कंपनी बंद हुई तो उसके बाद केवल 16 प्लेन ही कंपनी के पास रह गए। मार्च 2019 तक कंपनी का घाटा 5,553.75 करोड़ रुपए हो गया था। और फिलहाल जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी कार्यवाही करती हुई ईडी नजर आई है। शुक्रवार देर शाम यानी बीती रात जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के फिलहाल मुंबई ऑफिस में बुलाया गया है। इससे पहले कि हालांकि उन्हें 2 बार पेश होने के लिए कहा गया था, उन्हें बार बार ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन वो पूछताछ से बचते रहे, जिसके बाद ईडी को ये महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ा। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ईडी हिरासत की मांग करने वाली है। देखना यह है कि हिरासत मिलती है या नहीं मिलती है, किस तरीके से कार्यवाही आगे बढ़ती है। तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां यूं ही लेकर नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।